अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं तो एक चीज तो आपको पता होगी, आज के टाइम में शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। वैसे दोस्तों मार्केट में इतने सारे डिस्काउंट ब्रोकर है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें डीमैट अकाउंट ओपन करें। सो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट इन एंजल वन, या फिर एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करें, इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको एंजल वन के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए इसमें आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो अगर आप अपने शेयर मार्केट की जर्नी शुरू कर रहे हैं उसमें अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए पैसे देने पड़े तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एंजल वन में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो बताने वाला ही हूं, साथ ही साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है, तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी जाके क्लिक मत कीजिए, सबसे पहले पूरा प्रोसेस देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो और जब आप अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो बहुत ही आसानी से ओपन कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, हम जब भी बैंक अकाउंट ओपन करते हैं या फिर डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। सो मैं आपको प्रोसेस बताऊं, उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए अकाउंट ओपन करते वक्त। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये दोनों फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे चलेगा, आपके पास फोटो भी होगी तो आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर करके रखना है, उसका फोटो खींच के रख लेना है ताकि सिग्नेचर अपलोड करते वक्त आप उसे अपलोड कर पाए या फिर अगर आप चाहेंगे तो मैन्युअली भी अपलोड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इनकम प्रूफ के तौर पर आपको अपने 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करना होगा। सो ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास अवेलेबल रखिएगा ताकि आप बहुत ही आसानी से अपने लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन कर पाए। चलिए दोस्तों मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, उसके बाद में देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर और रेफरल कोड एंटर करने का ऑप्शन आ चुका है। सो जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया ओटीपी मुझे रिसीव हो चुका है, वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं रेफरल कोड के बारे में एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका रेफरल कोड आ जाएगा, इनकेस नहीं आता है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जो रेफरल कोड आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं ये आपको मैन्युअली एंटर कर देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एड योर ईमेल एड्रेस टू स्टार्ट केवाईसी वेरिफिकेशन। सो अगर आप चाहें तो अपने गूगल अकाउंट को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी की इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। सो मैं कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक कर देता हूं और उसके बाद में यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन आ चुके हैं, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है जहां पर पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। सो आपका जो भी पैन कार्ड नंबर होगा आप उसे यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा और सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको अपने आधार को भी ऑथेंटिकेट करना होगा, जिसके लिए आप डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं। सो नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ है ऑथेंटिकेट आधार, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपने 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना होगा जो आपने डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट करते वक्त बनाया होगा। इनकेस अगर आप भूल गए होंगे तो नीचे फॉरगॉट माय पिन का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करके आप रीसेट भी कर सकते हैं और उसके बाद में सिंपली आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड के फोटो दिखाई देंगे तो सिंपली आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं मेरे सामने मैसेज आ चुका है, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपको अपने बैंक डिटेल्स एंटर करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले आप बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, फिर उसको वापस कंफर्म करेंगे, आईएफएससी कोड एंटर करेंगे और यहाँ पे जो मेरा बैंक अकाउंट है वो भी सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। फिर एक सेल्फी खींच के यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी, सो मैं फटाफट वो भी कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, अगर आपके पास ऑलरेडी सिग्नेचर का फोटो है तो उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं या फिर साइन मैन्युअली पे क्लिक करके यहाँ पे साइन भी कर सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड कर देने के बाद में आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे पूछा गया लेट्स एक्टिवेट डेरिवेटिव्स फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी और कमोडिटीज। अगर ये तीनों को भी आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सिंपली नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया उस पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ से आपको तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पे लिखा गया है वी विल फेच योर 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और कौन सा आपका बैंक है वो सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। फिर देखिए मेरे सामने यहाँ पे एक ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है, मैंने ओटीपी एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैंक अकाउंट के इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, तो सिंपली आपको लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में फिर से आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे और कंफर्म कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें पूछा गया है एनुअल इनकम डिटेल्स, तो आप पूरे साल में कितना पैसा कमाते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। फिर सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप कहाँ पे काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, खुद का बिजनेस है, अदर कुछ है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी होगी, जैसे
कि आपका जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ एक पॉपअप आ चुका है, एड अप टू 3 नॉमिनीज फॉर योर अकाउंट। तो अगर आप चाहें तो 3 नॉमिनी को एड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डू इट लेटर पे क्लिक कर दूंगा, हम बाद में भी कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। सो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए प्रीव्यू योर केवाईसी एप्लीकेशन। सो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होगी, तो आपको सिंपली प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर क्लिक करना होगा। और अब देखिए मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे मुझे आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और उसके बाद में जो आधार कार्ड नंबर के साथ मोबाइल लिंक होगा उसके ऊपर मुझे एक ओटीपी रिसीव होगा, वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए फाइनली मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है जिसमें लिखा हुआ है वी हैव रिसीव योर डॉक्यूमेंट्स, इट मे टेक अप टू 3 वर्किंग डे टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन, टिल देन चेक आउट द ऐप। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर आप लॉग इन कर सकते हैं, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल के ऊपर मिल जाएगा, जो भी ईमेल आपने यहाँ पे एंटर किया होगा उसी के ऊपर आपको रिसीव होगा। नीचे एक ऑप्शन दिया गया एक्सप्लोर ऐप, इस पे क्लिक करके आप इनकी ऐप को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। सो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है एंजल वन में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमैट अकाउंट ओपन करना। सो आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा और जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना है, आप भी अपने लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।